दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हार कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हार कहाँ जाऊंगा सरकार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई करते होंगे। ये वीडियो हम लोग संख्या पद्धति का उदाहरण वीडियो है। उदाहरण में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ लेते हैं, तो संख्या पद्धति में आज हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे। और उदाहरण से जितने भी आप लोग के उदाहरण आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह ऑब्जेक्टिव में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे या पूर्ण संख्या के बारे में, तो क्या होता है, जीरो से चालू होता है। जो जीरो से चालू होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो जीरो से चालू होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। वैसा ही प्राकृत संख्या के बारे में देख लीजिए, प्राकृत संख्या जो है आप लोग एक से चालू करते हैं, एक दो तीन चार इत्यादि, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो नहीं होती है तो इससे हम लोग लिख देंगे असत्य है या नहीं होती है। नहीं होती है। अगर इसे किताब में लिखा होगा तो उसे देखिएगा तो लिखा होगा असत्य, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। देखिए ये जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना, प्राकृत संख्या नहीं हो पाएगा। और यही पूछ देगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जी यह आंसर आप लोग का होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या अगर पूछ दिया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो आप लोग कह दीजिएगा हाँ होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है इसी में आपका पूर्ण संख्या भी आता है। यहां से देखिए ये सभी का चाहिए प्राकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यह पूर्णांक के बारे में बात आ गया, तो देखिए बाबू यह पूर्णांक क्या होता है। तो माइनस के तीन, माइनस के दो, माइनस के एक, जीरो, एक, दो, तीन इत्यादि होता है, ठीक है। ये इसमें माइनस भी रहता है और इसमें प्लस भी रहता है और इसमें शून्य रहता है। तो देखिए अब परिमेय होता है जो एक बटा पी, एक बटा दो, जीरो बटा वन, ऐसे ही हो जाएगा। माइनस तीन बटा वन ये हो जाएगा आपका परिमेय, जैसे कि माइनस तीन बटा वन भी हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं इतना कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, हाँ ले देंगे, हाँ होती है, होती है, या इसे हम लोग कह सकते हैं सत्य है। यह कहानी जो आपको ये बातें बोला जा रहा है, यह बातें क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा परिमेय संख्या के बारे में बात आ गया। देखिए यह जो भी परिमेय संख्या है ना, एक पूर्णांक संख्या ये नहीं हो सकता है। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गया? अब देखिए तो इसमें लिख सकते हैं नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है, इसे हम लोग कह देंगे या कची है असत्य है। ये जो कथन आप बोल रहे हैं यह कथन क्या बाबू, असत्य है। बात क्लियर हो गया? अगला देखिए, बहुत ही मजेदार ये उदाहरण नंबर दो दिया गया है। देखिए एक और दो के बीच में पांच परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या, जानते ही हैं, यह क्लास नाइन्थ का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कंपटीशन लेवल में ही आप लोग हो सके तो पूछ देगा, या टेंथ में आप लोग पढ़ते हैं वहां भी पूछा जा सकता है। तो इसे जाना या ध्यान देते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। अगले देखिए यहाँ पे एक और दो के बीच में बाबू, देखिए यहाँ पे पांच को दिया है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, पांच प्लस वन बराबर कितना हो जाता है, छह,
एक अपने से जोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग लिख दीजिएगा हॉल में कि एक और दो के बीच की 5 + 1 बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लिखते हैं ना, तो एक के नीचे कुछ नहीं, तो अपने मर्जी से एक लिख लीजिएगा, जैसे 2 है तो 2/1 लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग को कितना से गुना करना है, तो लिख देना है अंश अंश तथा अंश तथा तथा हर में 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, गुना करने पर बात क्लियर हो गया। तो बात ऊपर 6 और नीचे 6, ऊपर 6 और नीचे 6, देखिए 6 एकम 6, देखिए 6 × 12 और 6 एकम 6, अतः 6 के बाद कितना आता है, 6 के बाद तो 6 के बाद आता है 7, 6 के बाद कितना आता है तो 7 आता है, तो 6 के बाद और 12 से पहले, तो 6 के बाद 7 हो गया, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, देखिए कितना हुआ, तो 1, 2, 3 11/6, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया। कितना पूछ रहा है, 5 को पूछ रहा है, और 1, 2, 3, 4, 5 यानी हमारा क्लियर हो गया। तो यहां से आपको अगर पूछता है तो आप बता दीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। देखिए यहां से जितने भी आपको ये क्वेश्चन बताए हैं ना, यह नंबर सिस्टम का उदाहरण क्लास है, उदाहरण क्लास में अगर इसे आप लोग समझ लिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद